ट्रुक एयरबड लाइट आज इसका मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, ट्रुक के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये 1100 समथिंग 1200 रुपए का ये प्रोडक्ट है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें जो पहला मैंने एक रिव्यू किया था उससे ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत सारा चीज़ सिमिलर है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बताना है इस वीडियो में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। छोटा सा वीडियो, छोटे से वीडियो में आपको पूरा आइडिया लग जाएगा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर प्रेस करके रखें। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको इसका साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, बैटरी आपको बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब इसकी प्राइस 1200 रुपया है। 1200 रुपये के प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप देखो तो ये जो एयरबड इसके लुक काफ़ी अलग है। लुक के हिसाब से आप इसे मत परचेज़ करो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। आप देखो कि भाई उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आपका फुलफ़िल हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस एयरबड की ये है कि इसका जो साउंड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो बेस बहुत अच्छा मिलता है इसमें, माइक चार इसमें माइक आपको मिल जाते हैं जिससे आपका नॉइज़ कैंसलेशन होता है। तो यहाँ पर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ, लगभग सिमिलर है जो मैंने इसके पहले वाला जो किया था ना F1 ट्रूक बर्ड्स F1 का किया था, तो लगभग सेम क्वालिटी है। कॉल क्वालिटी की बात करूँ, लगभग सेम एक्सपीरियंस है। कोई भी आपको ज़मीन आसमान का या फिर आपको कोई बड़ा चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फिर भी आप मुझे पूछोगे कि क्वालिटी फिर भी कैसा आएगा, कॉल क्वालिटी, तो कॉल क्वालिटी आपको मिल जाएगा मतलब समझ लो कि आपको आपके उसके ऊपर जो सामने वाला जो है ना उसकी क्वालिटी उसके माइक पे डिपेंड करता है सामने वाला का, आपको क्वालिटी उसे कैसे सुनने आएगा, लेकिन आपकी क्वालिटी सामने बहुत अच्छी जाती है। और कॉल क्वालिटी में आप कॉल के दौरान आपको ना ज़्यादा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेटवर्क का कोई इशू नहीं आएगा, ब्लूटूथ का कोई इशू नहीं आएगा। बैटरी की बात करें, अगर 48 आवर्स का बैटरी थी, इसका मतलब ये है कि ये 2.5 दिन तक हैवी यूसेज पे चलेगा। लेकिन हैवी यूसेज यहाँ पर आपको समझना है कि एयरबड को केस को चार्ज करने में 3 घंटे लगेंगे और एयरबड को चार्ज करने में 1.5 घंटे लगते हैं। एयरबड आपको 10 आवर का बैटरी बैकअप देता, तो आपको समझना पड़ेगा आपको चार्ज के अपने साथ में रख के चलना पड़ेगा, तब जाके आप इसे चार्ज करके, और वैसे भी जब आप इसे चार्ज करोगे तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो वो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जब आप इसे ले रहे हो तो फुल बैटरी बैकअप आपको जो 48 आवर से बताते बट विथ चार्ज केस, तो यही एक है। तो आप मुझे पूछोगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो अभी मैं डेफिनेटली इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छा भी है और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा है कि आपको मैं बोलूँगा कि आप ले लो। लेकिन यहाँ पर मैं भी स्टिल कंफ्यूज हूँ इसको लेकर, क्योंकि इतना प्राइस तो पे करके मैं तो भाई एक ही चीज़ देखूँगा कि मुझे देखो टच से एक चीज़ अच्छा है ना, आपको बटन्स के अच्छा टच है क्योंकि ना उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो बटन्स से अच्छा टच होता है। लेकिन यहाँ पर 10-10 घंटे का बैटरी का थोड़ा सा अगर 48 आवर्स अगर समझो ऐसा कभी डायरेक्ट होता बिना केस के, तो मैं इसे रिकमेंड करता था और मैं भी इसे लेता। तो ये वैसे भी है, वैल्यू फॉर मनी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें।